हाय माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी और आज आप लोग को मेरा आई लुक दिख रहा होगा कुछ डिफरेंट सा। तो ये वाला आई लुक कैसे बनाया है ये मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ब्लू आईज, होली पे आप इस तरीके की आईज का मेकअप कर सकते हो और बहुत ही प्यारा लगेगा, आप देख लो। डबल विंग्स ब्लू कलर की लाइन वाली आई मेकअप बनाया है मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके का मेकअप है, आपको पूरा वीडियो देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और कल मैंने एक ब्राइडल का मेकअप किया था, फुल मेकअप है, मीडियम कलर की ब्राइडल का मेकअप है। एक मेरी व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैं मीडियम कलर की ब्राइडल का मेकअप बताओ, तो किस तरीके से मैंने उनका मेकअप किया। बहुत ही प्यारी ब्राइडल थी और बहुत ही अच्छा मेकअप भी हुआ था, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अभी मैंने सुबह में पोस्ट किया तो वो वीडियो देख लीजिएगा और ये भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। होली पे इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो, रंग बिरंगी आईज का मेकअप और बहुत ही प्यारी लगेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, तो प्लीज़ जिसको भी पार्लर का कोर्स सीखना हो प्लीज़ बता दीजिएगा, और आपको जो भी सीखना हो कमेंट में बता दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज पार्लर का कोर्स सीखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर की जगह पे वैसलीन अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास भी प्राइमर ख़त्म हो जाए तो आप वैसलीन से मेकअप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा और अच्छे से मेकअप ब्लेंड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा होता है वैसलीन से भी मेकअप। तो प्राइमर ख़त्म हो तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हो और मॉइस्चराइज भी अच्छे से करता है स्किन को। उसके बाद मैं कंसीलर लेके अपने आईब्रोज को लाइन देते हुए इस तरीके से कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने आईज पे, ताकि आईज के जितने भी डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल डार्कनेस है वो अच्छे से छिप जाए। तो उसको अच्छे से लगा लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं ब्रश से ही। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। ओके, तो इस तरीके से कंसीलर को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, लैक्मे 925 का कॉम्पैक्ट पाउडर। उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से करना है, आप देख सकते हो। आप कंसीलर लगा लेने पे हमारा आई मेकअप का कलर सेम हो जाता है और अच्छे से कोई भी आई शेडो आपके स्किन पे अच्छे से आ जाता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे आईब्रो आई शेडो पैलेट में से ही ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ओके, देन उसके बाद इस तरीके से आपको ब्लू कलर का आई शेडो लेके अपनी क्रीच एरिया पे अप्लाई करना है इस तरीके से। ओके, जस्ट उसके नीचे आपको लेना है पिंक कलर का आई शेडो। ओके, इस तरीके से उसके नीचे पिंक कलर का आई शेडो, बहुत ही अच्छा लुक लगेगा ये वाला भी। और कल मैंने ब्राइडल मेकअप अपलोड किया था तो प्लीज इसको भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। तो इस तरीके से पिंक कलर का लिया, जस्ट उसके नीचे हमने येलो कलर का आई शेडो लिया है, येलो गोल्डन कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की आई शेडो लगा लेनी है। उसके नीचे मैंने डार्क मैरून कलर का आई शेडो अप्लाई किया है येलो के नीचे, और जो ब्लू कलर का आई शेडो क्रीच एरिया पे अप्लाई किया था उसको इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक पूरा अप्लाई करना है। तो इस तरीके से लगाने, तो इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, जितना डार्क ही अच्छा लगेगा, जितना डार्क कर सको आप अच्छा लगेगा डार्क कलर। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक आपको ब्लू कलर वाला आई शेडो अप्लाई कर लेना है। ओके, फिर जस्ट नीचे आपको डार्क ब्राउन कलर लेके इस तरीके से अप्लाई करना है। उसके नीचे फिर से दोबारा से आपने ब्लू कलर का आई शेडो लेना है, पहले येलो वाला थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से नीचे फिर से ब्लू वाला आई शेडो लेंगे और अपनी लो वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लेंगे, अपर पे और लो पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे।
ब्लू आईज मेकअप बहुत ही अच्छा सा इजी सा है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। इस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे फेस पे अच्छे से मेकअप कर लिया है। पूरे फेस पे मेकअप करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया। फेस पे ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया, यहाँ पे आई मेकअप भी बताया मैंने आपको। वैसे आपके जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हो वहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे। और आईब्रोज के नीचे हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हाइलाइटर लगा लीजिएगा। ओके, दोनों आईब्रोज पे सेम तरीके से कंसीलर लेके इस तरीके से, तो फिर से कंसीलर लेके इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो हट जाएगा। ओके, आप देख सकते हो जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हो वहाँ पे आप इस तरीके से कंसीलर अप्लाई कीजिए। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद नॉर्मली कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अपने फेस को सेट कर लीजिए और हल्का सा हाइलाइटर लगा दीजिए नॉर्मल सा लुक देने के लिए। आप चाहो तो हल्का हल्का ब्लश भी दे सकते हो गालों पर। इस तरीके से मैंने पाउडर लगा लिया है, उसके बाद हल्का सा ब्लश दूंगी मैं अपने गालों पे। ओके, तो इस तरीके से नोज पे हाइलाइटर, फेस पे, अपर लिप पे, ठोड़ी पे, फोरहेड पे, सब जगह हाइलाइटर लगा लेंगे। उसके बाद से मस्कारा लूंगी वेट एंड वाइल्ड का और अपनी आईलैशेस को कर्ल कर दूंगी। शाइनिंग सा ग्लोसी सा लुक देने के लिए हाइलाइटर बहुत ही ज़रूरी है, तो वेट एंड वाइल्ड के मस्कारा से अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। फिर फॉल्स आईलैशेस भी लगा लीजिएगा। मैं अपना फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ब्लू आईलाइनर लूँगी और इस तरीके से अपने डबल विंग वाली आईलाइनर लगा लेंगे। ओके, पहले अच्छे से मस्कारा लगा लेते हैं, उसके बाद से ब्लू कलर का आईलाइनर लेके आप अपनी आईज पे अप्लाई करो। जितना चौड़ा लंबा चाहिए, लंबी खत के साथ ही ये वाला लुक अच्छा लगेगा, लंबी विंग्स के साथ। तो इस तरीके से आईलाइनर लगा लेंगे। ओके, जितनी चौड़ी चाहिए लंबी चाहिए आप उतना अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ओके, दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे सॉरी ये तो सट गया ऊपर से, तो कोई बात नहीं, इसको भी मैं बता देती हूँ, इसका भी कोई इलाज है। तो अगर आपकी भी विंग्स एक साथ जॉइंट हो जाए तो इसको पहले आप कॉटन से हल्का सा साफ कर लीजिए और उसके बाद से दोबारा से विंग्स बना लीजिए, तो अच्छी सी परफेक्ट सी विंग्स बन जाएगी। हल्का सा इसको कॉटन से मैंने साफ कर लिया, उसके बाद से दोबारा से विंग्स बना लूँगी मैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो ये डबल विंग वाली आईलाइनर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद से मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर लीजिए और मैं यहाँ पे हल्का सा पफ बना के और मेकअप सेट कर लूँगी। तो ये मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया। तो चलिए मेरा फाइनल लुक दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो विंग्स कितनी प्यारी लगी हुई है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। इस तरीके की आईलाइनर मार्केट में अलग अलग टाइप की मिलती हैं, तो आप जो भी कलर आपको चाहिए आप ले सकते हो और अच्छा सा विंग्स अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आईलाइनर लगा सकते हो। ओके, तो कैसी लगी गाइस मेरा फाइनल लुक? और भी पिक्स मैंने डाली हुई है, तो आप देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो इस तरीके से आप ये वाला मेकअप लुक, ज़्यादा तो ब्लू ड्रेस के साथ ही मस्त लगेगा, लेकिन आप किसी भी ड्रेस के साथ ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही प्यारा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिसको भी पार्लर कोर्स सीखना हो मेरे चैनल के साथ उसको जोड़ लीजिएगा। अपनी फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा बताते हैं और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोग की बहुत बहुत हेल्प चाहिए और आप लोगों ने की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि कितना आप मुझे हेल्प करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मुझे ऐसी हेल्प करेंगे और मैं आगे बढ़ पाऊँगी, ग्रो कर पाऊँगी और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आती रहूँगी हमेशा। आई होप आप लोग
को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने उन ब्राइडल का मेकअप देखा कि नहीं। नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियोज मेरी मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस।